इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर भी है, क्योंकि जहां एक बार किसान इस वक्त बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर है, वहीं पर खबर ये कि अब चक्का जाम भी हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं दिल्ली से ही, जो डेवलप हो रही है और इसका असर न सिर्फ दिल्ली में होगा बल्कि दीगर स्टेट्स में भी इसका असर जो है वो खासा नजर आएगा। ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन की भी एहतजाज की तैयारियां शुरू हो गई है, किसानों के मुतालबात फौरी तौर हल किया जाए और इसके लिए हुकूमत को 2 दिनों की मोहलत दी गई है। दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरहदों तक सख्त सिक्योरिटी, ये जो कल टैक्सी यूनियन की तरफ से कहा गया है, क्योंकि वो भी इस एहतजाज को खुले तौर पर सपोर्ट कर सकती है और चक्का जाम पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिलेगा। इसके लिए सरकार जरी कानून जो है उसमें तब्दीली करे, उसको वापस ले, उस पर जोर देते हुए ये कहा गया कि यूनियन की तरफ से कि किसानों के एहतजाज में शामिल होने के लिए वो भी अपना कामकाज आने वाले 2 दिनों के अंदर ठप कर सकते हैं। यानी ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन के सदर का बड़ा बयान कि इजलास हुआ उसके बाद बड़ा फैसला लिया गया कि 2 दिन तक हम इंतजार करेंगे, अगर सरकार और किसानों के बीच तालमेल नहीं बैठता है और तातुल का शिकार मुजाकरात होते हैं तो उसके बाद दिल्ली समेत सभी स्टेट्स के अंदर, सभी रियासतों के अंदर चक्का जाम की कॉल देंगे। ये बात कही गई है ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन की तरफ से। उन्होंने कहा कि टैक्सी यूनियन ऑपरेटर जो है वो पूरे मुल्क के अंदर चक्का जाम देंगे और 2 दिन के अंदर अंदर, यानी आज का दिन और कल 3 तारीख है, कल मीटिंग है, कल शाम तक टैक्सी ऑपरेटर्स भी मॉनिटर करेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि कल शाम को मुश्तरका इजलास होगा टैक्सी ऑपरेटर्स का, जिसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा कि क्या मुल्क के अंदर चक्का जाम करना है या नहीं, क्योंकि लगातार उनका मानना है कि किसानों के साथ जिस तरीके से सरकार पेश आ रही है वो सही नहीं है। इधर बीजेपी का मानना है कि किसान कांग्रेस के कार्ड पर खेल रहे हैं और कांग्रेस इन्हें गुमराह कर रही है, और कुछ लीडर्स का यह भी मानना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तानी ज़राया ब्लॉग ने किसानों को लेकर अब सुर्खियां देना शुरू कर दी है, कांग्रेस तो यही चाहती है कि मुल्क का नाम बदनाम हो, इस तरीके की भी बातें जो है वो सामने आ रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन बड़ी खबर ये कि किसान लगातार सरापा एहतजाज है और इस एहतजाज में अब सेकेंड टायर जो है वो टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स की तरफ से भी बात सामने रखी गई है। ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन का मानना है कि अगर कल तक एहतजाज में बैठे किसानों के साथ कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया तो उसके बाद चक्का जाम पूरे मुल्क के अंदर किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि सरकार के लिए और परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल तो सिर्फ एक तरफ से बॉर्डर्स को सील करके किसानों को रोका गया था, अगर चक्का जाम भी होता है तो इसका असर किन स्टेट्स में होगा, कैसे होगा, वो भी देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह कि अगर 2 दिन के अंदर, यानी कल शाम तक अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो ऑल इंडिया टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन जो है वो दिल्ली के अंदर चक्का जाम की कॉल दे सकते हैं। उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया है और खुलकर अपना बयान रात देर गए जारी कर दिया है किसान यूनियन लीडरों के साथ मुलाकात के बाद। इधर सिर्फ यहां तक ये बात नहीं रुक रही है, आपको याद होगा कि मुख्तलिफ अंजुमने और मुख्तलिफ इदारे भी अब खुलकर किसानों के हक में बोल रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सियासत है लेकिन मिला जुला रद्द अमल इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर किसानों को लेकर है, और अब यह मामला सिर्फ पंजाब हरियाणा का किसान नहीं बल्कि यूपी में भी मोबिलाइजेशन हो रहा है और दीगर स्टेट से भी इसी तरीके की मोबिलाइजेशन की खबरें जो है वो आ रही है, और इस तरीके से किसान उस जरी कानून के खिलाफ सफारा हो गया है जो कानून मुल्क के अंदर नाफिज और इसका असर जम्मू कश्मीर तक भी इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जो सप्लाई थी, जरूरी चीजें जो जम्मू कश्मीर जाती थी ट्रेन के रास्ते या फिर नेशनल हाईवेज के रास्ते, चीजें महंगी हुई है और माना जा रहा है कि किसानों का एहतजाज अगर 10 से 15 दिनों तक मजीद जारी रहा, इसी तरीके से ये तहरीक चलती रही, नेशनल हाईवेज अगर चंद दिनों के लिए बंद हुए तो और भी महंगाई जम्मू कश्मीर के अंदर भी उरूज पर पहुंच सकती है, जहां पर फल और सब्जियां इस वक्त आसमान छू रहे हैं।